अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे, आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, ब्लॉग आप लोगों को फुल वॉच करना है, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले मैं आप लोगों को हमारे अली की तबीयत के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत टेंशन होती है अली की तबीयत को लेकर, और आप लोगों के कमेंट से पता चल जाता है मुझे कि आप लोग भी टेंशन में हैं। तो जी कल मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि अली को मैंने सुबह के टाइम अली की जो नज़र उतारी थी वो पानी से उतारी थी, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा रहा उसे सुबह के टाइम। और उसके बाद मैंने खाने की पूछा तो खाने में उसने कुछ भी नहीं कहा कि मम्मी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए हमें बुखार रहता है, हमारी तबीयत वगैरह खराब रहती है, तो अंदर से मन मतलब बिल्कुल ही बेकार रहता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो मैंने थोड़ा सा जरा सा दलिया बना के दिया अली को, तो शाम होते होते अली ने उल्टी कर दी, पूरा दलिया निकाल दिया था। फिर रात को वही मैंने मिर्ची वाली नज़र उतारी थी उसकी, और दवा गोलियां भी दे रहे हैं हम उसे कंटिन्यू। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रात को तो उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं आया, सुबह तक भी वो ठीक ही था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब उसको कि मम्मी मुझे तो पतली लेटन आ रही है, पतली लेटन आई, दस्त की प्रॉब्लम और स्टार्ट हो गई है। तो हो सकता है देखिए अभी उसने रोजे रखे थे तो शरीर में पानी की कमी आ गई हो, और वैसे भी हमारा ही ऐसा है थोड़ा सा कि मतलब पानी नहीं पीता है वो, याद कर करके मैं देती रहती हूँ कि अली बेटा पानी पी लो पानी पी लो, तब जाकर तो पानी पीता है, नहीं अपने से खुद से नहीं होता उससे कि मैं उठ के पानी ले लूँ, याद नहीं रहती उसे पानी पीने की। तो इस वजह से भी हो सकता है शरीर में पानी की भी कमी हो गई हो। तो ORS घोल भी मंगवाया है मैंने अली के लिए, और हमारे पास में एक आयुर्वेद दवाखाना है, आप लोगों ने भी देखा है, वो ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था, तो उन भैया को भी हम दिखा देंगे, लेकिन अभी वो भैया नहीं है, अभी वो हॉस्पिटल में है, शाम तक आएंगे तो शाम को उनको भी चेक करा देंगे, दिखा देंगे। और क्या है बस अल्लाह ताला से दुआ करना हमारा लिए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम चलती रहती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, कुछ ना कुछ घर में लगा ही रहता है, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी इंसान सुखी नहीं है, किसी ना किसी तरीके से परेशान ही है, और फिर ये बीमारी अलग चल रही है अभी परेशान करने के लिए, बहुत बुरी बीमारी चल रही है। अल्लाह ताला जी सबकी हिफाजत करे। और आज के इस व्लॉग में मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात भी पूछनी है, तो वो जरूरी बात क्या है आप लोग को देखते रहिए, आप लोगों को भी पता चल जाएगी। तो ठीक है आप लोग व्लॉग को फुल वॉच करिए। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ पारा सुबह फजर की नमाज के बाद, वैसे तो मैं रोज दो पारे पढ़ती हूँ लेकिन आज मेरा एक ही पारा हो पाया, तो मैंने सोचा चलो एक पारा और पढ़ लेते हैं। तो जल्दी से घर का काम निपटाया जो कि हमारे सुबह का काम रहता है, जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद बस मैं अब यहाँ पर पारा लेकर बैठ गई हूँ, पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो घर के काम तो पूरे नहीं होते अभी, ये धनिया जब से ये लेकर आए तब से ऐसे ही रखा हुआ है, टाइम ही नहीं मिला साफ़ करने का, मैंने सोचा चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि केवल इसमें तिनके होंगे, लेकिन जब बैठी ना साफ़ करने के लिए तो इसमें मिट्टी और कंकड़ भी निकले थोड़े बहुत, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप कैसा धनिया लेकर आए हो, तो खुद कहने लगे कि मैंने तो इस चक्कर में देखा ही नहीं, दुकानदार ने यूँ कहा कि इतना साफ़ धनिया है भैया, बहुत साफ़ है। तो मैंने बस उस पर विश्वास कर लिया और चेक ही नहीं किया कि कैसा धनिया है, और ऐसे के ऐसे ही ले आया। अब देखिए दुकानदार भी भोले वाले लोगों के साथ किस तरह से चीटिंग करते हैं, उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। अब देखा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को इंसान को गलत चीज़ दे दो, तो सच में इसे साफ़ करने में इतने से धनियों को बहुत सारा टाइम लग गया मुझे, और जब तक मैं अच्छी तरह से किसी चीज़ को साफ़ नहीं कर लेती तब तक मुझे सुकून भी नहीं मिलता। तो बड़ी मुश्किल से वो धनिया साफ़ हुआ, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैं कांच सारे साफ़ कर रही हूँ। तो अलमारियों की जो डस्ट है अंदर की वो तो मैंने साफ़ कर ली थी, और वो तो मैं रोज़ ही साफ़ करती रहती हूँ, तो ये कांच बहुत जल्दी हमारे गंदे हो जाते हैं, तो अभी तो मुझे किचन के कांच भी साफ़ करने हैं। तो एक एक अलमारी करके नंबर ले लूँगी कि आज इसके करने हैं कल उसके करने हैं, ऐसे करके मैं साफ़ करूँगी, नहीं तो काम बहुत सारा होता है हम लोगों के लिए। तो बस इसी तरीके से ये बोतल में मैंने शैम्पू के पाउच के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स करके भर लेती हूँ और उन्हीं से इन कांचों को साफ़ करती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे कांच चमक जाते हैं, एकदम नए से लगने लगते हैं, और हमेशा मैं इसी तरीके से इन कांचों को साफ़ करती रहती हूँ तो अच्छे चमकते हैं। और बस अब हो चुका है हमारे इफ्तारी का टाइम, इफ्तारी बना लेते हैं, नमाज हो चुकी है, पारा भी हो चुका है जो कि मैं जोहर की नमाज के बाद एक पारा पढ़ती हूँ वो भी मैंने पढ़ लिया है।
और अब हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं कटोरी चाट की। तो इसके लिए मैंने 1 कप तो मैदा लिया है, आधा कप इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल हमें इतना ही डालना है कि इसमें मुठिया सी बन जाए, तभी हमारी कटोरी एकदम से सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। अंदर से कचौरी मतलब कच्ची भी नहीं रहेगी किसी भी तरीके की, इतनी अच्छी हमारी कटोरी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ रबड़ी की, दूध की रबड़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज शाही टुकड़े भी बनाऊँगी। तो जुमेरात है जी, जुमेरात को वैसे भी हमारे यहाँ घर पर फातिया होती है कुरान बख्शवातियों में, तो कुछ ना कुछ मीठा वैसे भी मुझे बनाना पड़ता है। और यहाँ पर बस अब कर लेते हैं तैयारी, हम कटोरियाँ बना के रख लेते हैं। पहले बहुत सारी कटोरियाँ बना लेती हूँ, फिर चाट तो बाद में फटाफट से बन जाएगा, बिल्कुल एंड टाइम पर बनाएंगे हम चाट, जब रोज़ा का टाइम होगा ना, रोज़ा अफ्तार का, उससे थोड़ी देर पहले बना लेंगे। तो ये मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर ली है, और फॉक से इस तरीके से इसको हमें गोतना है। गोतने के बाद बस इस रोटी को हमें इस तरीके से कटोरी के ऊपर सेट कर लेना है। तो ये जो मैं कटोरी चाट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अभी तक मुझे याद है जब मैं 12th तक के मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, तो 11th का क्लास के बच्चों का, लड़कियों का होम साइंस का प्रैक्टिकल था उस टाइम। तो प्रैक्टिकल लेने के लिए जो मैडम आई थी, उन्होंने लड़कियों को कटोरी चाट दिया था बनाने के लिए, तब लड़कियों ने बनाया था कटोरी चाट, और मैंने पूरा देखा था वहाँ पर, क्योंकि हमारी भी ड्यूटी लगी थी देखने के लिए, मतलब जो स्कूल की जो मैडम है उनकी भी ड्यूटी लगती थी, तो हमारी भी लगी थी, तब मैंने देखा था। तो माशाल्लाह बहुत मेहनत लड़कियों ने की थी, हमारी स्कूल की लड़कियों ने, और बहुत ही अच्छा कटोरी चाट बनाया था, और मैडम ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, नंबर भी बहुत अच्छे दिए थे। तो बस ये वही कटोरी चाट है, तो ये देख लीजिए, अभी आपने देखा ना कि कटोरी किस तरीके से अलग हो गई इसमें से, एकदम से निकल कर अलग हो जाती है जब मतलब सिकने लगती है। तो हमें इस कटोरी को अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रखना है, अगल बगल मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से इसे फ्राई करना है। तो मेरी जो सारी कटोरियाँ हैं वो बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। तो अब मुझे चाट बनाना है, चाट में सबसे एंड में बना के तैयार करूँगी, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए हमारी रबड़ी भी इधर बनकर अच्छी तैयार हो गई है, बहुत अच्छी गाढ़ी रबड़ी बनी है। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और चीनी भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो अब हम अपनी ब्रेड को तिकोना काट लेते हैं, ब्रेड को हमें फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है अच्छी। और उसके बाद फिर मैंने चाशनी भी तैयार कर रखी है, थोड़ी सी चाशनी मेरे पास रखी थी। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आपके पास चाशनी अगर बची हुई रखी रहती है तो आप उसे यूज़ कर लेते हो क्या? तो हाँ, चाशनी तो काफ़ी दिन तक अगर हम फ्रिज में रख देते हैं उसे तो बच जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और हम उस चाशनी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कर लेती हूँ चाशनी का यूज़। तो यहाँ पर ये ब्रेड में चाशनी में डालती जाऊँगी, और उसके बाद एक एक ब्रेड को फिर निकाल के रखती जाऊँगी, फिर बाद में हम रबड़ी वगैरह इसमें डालेंगे। तो आज हमारे बाजी दूल्हा भाई की सालगिरह भी है, वेडिंग एनिवर्सरी भी है शादी की। तो देखिए माहौल ऐसा चल रहा है, पहले तो हम लोगों ने सोचा था बहुत अच्छा हम सेलिब्रेशन करेंगे बाजी दूल्हा भाई की शादी की सालगिरह पर, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कैसा माहौल चल रहा है, मतलब बहुत ही बेकार माहौल चल रहा है। तो फिर मन भी नहीं होता जी ऐसे माहौल में कि हम किसी तरीके का कोई फंक्शन सेलिब्रेशन करें, कुछ करें। तो इस वजह से फिर हम लोग रुक गए और हमने कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया किसी भी तरीके का। तो बस ये देखिए इस तरीके से हमें ये रबड़ी इसके ऊपर फैलानी है, पूरी रबड़ी फैला देनी है। और इधर साइड में मावा जो मैंने रख रखा था, थोड़ा सा मावा बचा हुआ था मेरे पास खोया, वो डाल देंगे हम ऊपर से, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसके ऊपर टूटी फ्रूटी। तो इस तरीके से हमारे शाही टुकड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सारे टुकड़े इसी तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं शाही टुकड़े, और कई लोग बनाते भी हैं, आप लोग भी बनाते होंगे। और बस अब मैं आप लोगों से, मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है, तो अभी आप लोगों से मैं कुछ पूछती हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ ये और क्या बन रहा है। ये बना रही हूँ मैं मावा मिश्री के लड्डू, थोड़ी सी रबड़ी बच गई थी तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और इस तरीके से हमारे मावा मिश्री के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी इसमें शुगर पाउडर डाल देंगे हम, और गोल गोल इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मावा मिश्री के लड्डू मतलब मैंने बहुत खाए हैं बचपन में, हमारे घर में बहुत आते थे, और बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट है, मतलब मेरे जो फेवरेट मिठाइयों हैं उनमें से एक ये भी है, मावा मिश्री के लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी कल जुमेरात थी, और जुमेरात वाले दिन देखिए ज़्यादातर मेरी मम्मी मेरे ख्वाब में आती हैं, तो कल की ही बात है, कल भी मेरी मम्मी
ख्वाब में आई मेरे, तो मैंने ख्वाब में ये देखा कि मेरी मम्मी एक काफ़ी मोटा सा सांप है, बहुत बड़ा और मोटा सांप है। तो उस सांप को मेरी मम्मी, मतलब मेरा वो सांप मेरे साइड बढ़ रहा है, आगे की साइड आ रहा है, मतलब मुझे काटने के लिए आ रहा है। और मेरी मम्मी जो कपड़े धोने का धोबना होता है, जिसे हम कपड़े धोने की लकड़ी या धोबना जो भी बोलें बोल सकते हैं, तो उससे उस सांप को मार रही हैं और उसके मुंह ही मुंह में मार रही हैं। बहुत देर तक मारती रही उसको और उस सांप को पूरे को मम्मी ने मार दिया है। तो मतलब ये ख्वाब मैंने देखा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इस ख्वाब का मीनिंग आप लोग जानते हैं कि, अगर आप में से कोई भी जानता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब को देखकर बता देते हैं कि इस ख्वाब का ये मतलब होता है, होते हैं कई लोग। तो हो सकता है आप में से भी कोई हो जो मतलब बता सकते हो मुझे कि इसका मतलब क्या है। अगर बता सकते हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। तो यही बात थी जो मुझे आप लोगों से पूछनी थी। और अभी ये देखिए मैं चाट तैयार कर रही हूँ, तो थोड़े से उबले हुए आलू कट करके ले लिए हैं, थोड़े से इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए बिल्कुल बारीक कट करके, हमें काले चने भी इसमें ऐड करना है। तो काले चने मैंने उबाल कर रख लिए थे, दोपहर में ही उबाल लिए थे, जल्दी गला दिए थे फिर उबाल के रख लिए थे। और इसमें जो चाट मसाला है, थोड़ा सा काला नमक है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा काला नमक, जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा चाट हमारा बन के तैयार होता है। इसमें अब मैं दही डाल रही हूँ और हमें दो तरीके की चटनी, जो ग्रीन वाली चटनी होती है और मीठी वाली इमली वाली चटनी, वो भी इसमें ऐड करना है। इसके बाद बस अब मैं इसे कटोरियों में सर्व कर दूंगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कटोरी में हमें किस तरीके से इसे सर्व करना है। तो ये कटोरी जो चाट होता है, मतलब बहुत ही यम्मी और बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। बस इसकी जो कटोरियाँ होती हैं वो हमें पहले बनाकर रखनी है, इससे हमारा काम काफ़ी इजीली हो जाता है। अगर हम कटोरियाँ पहले से बना कर रख लेते हैं तो फिर उसमें चाट में टाइम नहीं लगता। आप कटोरी मेरी तो बड़ी साइज की है, आपके पास छोटी साइज की हो तो वही छोटी साइज की ले लेना। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे, कटोरी के अंदर भर देंगे। और जो भेलपुरी वाले सेव हैं मेरे पास, जो नमकीन वाले, वो इसमें ऊपर से डाल देंगे। आप लोग चाहें तो जो चिप्स होते हैं आलू के चिप्स, उनको भी इसमें तोड़ मरोड़ कर डाल सकते हैं। आपके पास अगर कोई पपड़ी रखी हो, पापड़ी बना के जो रखते हैं ना, वो भी तोड़ मरोड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं। और ऊपर से हम इसमें अनार डाल देंगे और ऊपर से थोड़ी सी चटनी ग्रीन वाली मीठी वाली मैं और डाल रही हूँ। तो अभी अनार और डालना है हमें ऊपर से, और बारीक वाली जो नमकीन है वो भी डाल देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा यम्मी सा बनता है कटोरी चाट। ये बस हो चुका है डेकोरेट और काफ़ी अच्छा बना है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस कटोरी आप पहले बना कर रख लीजिए, नहीं इसमें कटोरियों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मेरी कटोरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी बनी है। इधर मैंने मैंगो शेक की तैयारी कर ली थी, तो मैंगो शेक भी मेरा बन चुका है। और मैंगो शेक तो रमज़ानों के बाद, मतलब फर्स्ट बार बना रही हूँ मैं, इससे पहले मैंने अभी नहीं बनाया था। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं, जब से एक बार भी नहीं बनाया था। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं और बहुत ही यम्मी सा मैंगो शेक लगता है। अगर हम उसमें रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं ना, तो हमारे मैंगो शेक में चार चांद लग जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो बस दस्तरखान लग चुका है और आ जाइए आप लोग भी हम लोगों के साथ रोज़ा इफ्तार कर लीजिए। अब बिल्कुल रोज़ा अफ्तार का टाइम हो चुका है। आज जुमा है, आप सभी को मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है, अगर आप लोग उसका जवाब दे सके हो तो प्लीज जरूर देना। और आज की मेरी रेसिपी में से कौन सी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइए। और हमारी अली की जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, तो अली की शिफा के लिए भी आप लोग दुआ कीजिए। तो अब मैं कुछ व्यूवर्स के नाम ले लेती हूँ और जिनका बर्थडे विश करना है उनका बर्थडे विश कर देती हूँ। तो एक तो है सोहेब शेख, इन्होंने नाम लेने की बोला है। नरगिस सैफ है, इनके ससुर जी का इंतकाल हो गया है। और एक हेमा जी हैं, इनकी सास का इंतकाल हो गया है। तो आप सभी जी अल्लाह ताला से इनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दें। और एक है मानी शफीक जी, इन्होंने औलाद के लिए दुआ कराई है। जिंदा दिल पाक ब्लॉग हैं, इन्होंने औलाद के लिए दुआ कराई है। साजू जी हैं, इन्होंने भी औलाद के लिए दुआ कराई है। एक मेरे व्यूवर हैं इजार अहमद, इन्हें 3 साल बाद, मतलब ये प्रेग्नेंट हुई हैं और इन्होंने भी दुआ कराई है औलाद के लिए। इसके अलावा कामरान अहमद, इन्होंने भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए दुआ कराई है। और असद अख्तर, इन्होंने अपने हस्बैंड की सेहत के लिए दुआ कराई है। फिज़ा मोइनुद्दीन है, इनके अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसके लिए इन्होंने दुआ कराई है।
तो आप सभी व्यूवर्स के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी अपनी हर नमाज में, और मेरे जो भी व्यूवर्स हैं मैं उन सभी से कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग भी इन सब के लिए दुआ करा करें अपनी हर नमाज में। आज 30 अप्रैल है, आज बर्थडे है मारिया जी का, तो मारिया जी आपको मेरी तरफ से योमे पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, कामयाबी आपके कदम चूमे, आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी गम ना आए, आपकी सुबह कामयाबी भरी हो और रातें मुरादों भरी हो। तो जी बस इसी के साथ आज के श्लोक का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, हम सभी को दुआओं में याद रखिए। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।